हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं, मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूं। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है, और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूं, अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना, परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है, वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए, सोना चांदी घी चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म पाप पुण्य धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं? ये धर्म ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है।
हाँ, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूं। सर्व हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं।